सितारगंज मुस्लिम सुन्नी समुदाय के लोगों के द्वारा खुशबू मैरिज हॉल से किच्छा रोड होते हुए जुलूस निकालकर उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के द्वारा बनाई जा रही फिल्म के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। उनको पद से भी हटाने की मांग की गई है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन लखनऊ वसीम रिजवी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन रैली और उसके बाद उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, जिसकी प्रतिलिपि हमने 29 राज्यों के मुख्यमंत्री साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार गृह मंत्री डीजीपी राजस्थान वगैरह को हमने उसकी प्रतिलिपि भेजी है, जिसमें हमने मांग की है। अब से कुछ दिन पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपने फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर एक 36 सेकेंड की वीडियो बनाई, जिसमें एक फिल्म बना रहा है वो मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा की शान में उसने तोहीन की है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की शान में तोहीन की है। लाइव उत्तराखंड के लिए सितारगंज से एहसान अंसारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।